जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के कोर ग्रुप के साथ मीटिंग किए। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी महासचिव राम माधव और प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना सहित जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस साल अक्टूबर नवम्बर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। इस बाबत यात्रा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बता दें कि काफी समय से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैनी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल इसे लेकर सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में चुनाव सुरक्षा और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक को केंद्र के निर्देश पर बुलाया गया था। राज्य भाजपा ने दावा किया है कि वो किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और वरिष्ठ हमारे नेताओं के साथ यहाँ बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात के साथ साथ जो संगठनात्मक कार्य हैं, जम्मू कश्मीर में जो सदस्यता अभियान है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है और जो जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कार्यों को पर चर्चा हुई, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं, और इस स्तर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में अपना जो संगठनात्मक गतिविधियों को और तेजी से हम बढ़ाएंगे।